अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा दो तस्वीरों को एक साथ कैसे मिलाना है। आपके कोई दोस्त है या कोई गर्लफ्रेंड है, उसकी आप तस्वीर अपने साथ लगाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे लगाएंगे, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बहुत आसानी से आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक कर लें ताकि मेरी याद नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। प्ले स्टोर में जाके सर्च बार में आपने लिखना है बैकग्राउंड रिमूव। ये देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है, मैंने इंस्टॉल कर रखी है। आप इसे इंस्टॉल, मैं इधर से इसे ओपन करता हूँ। ये कुछ इस तरह से ओपन होगी। इधर से मैं गैलरी में जाता हूँ, जिस फोटो का आपने बैकग्राउंड, मैं इधर से ये फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ शाहरुख खान का। ये कुछ इस तरह टिक के निशान पे आप क्लिक करें, एक बार फिर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये देख सकते हैं ये रेजर आ गई है। ये इधर से मैजिक है, आप इस पे क्लिक करते जाएंगे ये रिमूव होता जाएगा कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं ये मैजिक है, ये कुछ इस तरह से होगी। ये देख सकते हैं ये रेजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होगी, ये रेजर है। ये ऑटो पे भी आप इसको कर सकते हैं रिमूव, जो जिस चीज़ को आपने रिमूव करना है, जिस चीज़ को, ये रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको सेव करते हैं, टिक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आगे ये आएंगे, इनको कैंसिल कर दीजिएगा। ये सेव का ऑप्शन आ चुका है, ये सेव अब आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब आपने इसके साथ जो दूसरे फ़ोटो लगाना है वो फ़ोटो आप को इसी तरह, वो भी उसका भी बैकग्राउंड इसी तरह रिमूव करना पड़ेगा। इसके साथ दूसरा फ़ोटो ये हम लगाएंगे शाहरुख खान के साथ, इसको भी उसी तरह आपने इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना है, ये भी उसी तरह होगा। ये देख सकते हैं ये भी उसी तरह होगा। तो ये रिमूव करके नाजरीन फिर आगे जो है हम उसकी इनको आपस में जोड़ेंगे। ये देख सकते हैं नाजरीन, ये भी इसका भी बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया है। ये भी उसी तरह आपने सेव करनी है। सेव करने के बाद हम बैक चलते हैं। इसके लिए हमें एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बहुत आसानी से आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ये भी बहुत ही आसानी से आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। अब हम दोनों जो तस्वीरें हैं उनको हम आपस में मिलाएंगे। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करें, गैलरी में आएं। पहले आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करें जो आपने बैकग्राउंड लगाना है। मैं ये बैकग्राउंड सेट करूंगा, ये कुछ इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड सेट कर लें, मैंने ये किया है। दोबारा आप गैलरी में जाएं, पहले आप ये फोटोज इधर सेट कर लें। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके साथ अब हम शाहरुख खान का दूसरा जो फोटो लगाया था वो भी इसी तरह हम गैलरी में जाएंगे।
ये देख सकते हैं नाजरीन, इस तरह आप भी अपना फ़ोटो किसी के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये सेट हो चुकी है। अब हम इसको सेव करेंगे, ये सेव के ऑप्शन पर जाएंगे, सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी हम कर देंगे। ये देख सकते हैं ये फ़ोटो सेव हो चुका है नाजरीन। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।